क्या हुआ? जाओ यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी। बताओगी तो क्या हुआ? क्या बताऊँ, क्या तुम्हें दिखता नहीं तुम्हारी माँ मुझे इतना टॉर्चर करती है। हर वक्त काम काम कमाते, मैं करती तो हूँ फिर भी मुझे कुछ न कुछ ताने मारती रहती है। तुम्हें हो क्या जाता, मुझे यही समझ में नहीं आता। हमेशा तुम चिड़चिड़ करती रहती हो मेरी माँ के प्रति। क्यों, वो सिर्फ मेरी माँ है, तुम्हारी माँ नहीं है? मेरी माँ ऐसी नहीं है, ठीक है? मतलब मेरी माँ ऐसी है, तुम्हारा बोलना मतलब ऐसा है? हाँ, वो हर समय, मतलब मैं उन्हें हर चीज करके देती हूँ फिर भी वो इस तरह के नाटक करते रहती है, मेरे सामने ऐसे नाटक दिखाती है और तुमसे मेरी शिकायत करती है। इस तरह मत बोलो नीता, इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कौन है? मैं कुछ नहीं जानती। देखो आज तुम फैसला कर लो, या तो तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी या तो मैं रहूंगी। अगर उन्हें रखना है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी माँ को वैसे नहीं बता सकता। मुझे तुम भी प्यारी हो और मेरी माँ भी। लेकिन मैं इस तरीके से नहीं जा सकता, समझे तुम? आज या तो इस घर में मैं रहूंगी या तो तुम्हारी माँ रहेगी, समझे? तुम नाराज मत हो, प्लीज कोशिश करो। सच्ची बाद में मुकरोगे तुम मुझे? पक्का? मेरी तुमसे बोल रहा हूँ, प्रॉमिस। देखो आपने मुझसे प्रॉमिस किया है तो अपना वादा पूरा करो। जो आप माँ के घर से निकाल दो वरना याद रखो। बेटा इतना परेशान क्यों हो? कुछ नहीं माँ। कुछ तो है, बताओ मुझे क्या हुआ। माँ मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मैं ये सब चीजें आपको नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते हो? माँ से नहीं बताओगे तो किससे बताओगे? आप समझा कीजिए माँ, बहुत बड़ी बात है ये। जो भी है बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा। क्या बताऊँ मैं आपको, मैं दिन भर काम करता हूँ, दिन भर मैं थका हुआ रहता हूँ, घर से आता हूँ और तुम मेरे ना रहते हो मेरी बीवी को टॉर्चर करती हो, उसे काम करने के लिए कहती हो। ये कहाँ का आपका रिवाज है माँ, आपको कुछ समझ में आता है क्या? क्या टॉर्चर करती हूँ मैं बेटा, काम तो मैं कर रहा, खाना मैं बनाने जा रही हूँ, तुम्हारे बीवी आप को झूठ बोल रही हो। नहीं मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। नहीं मैं आप झूठ बोल रही हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी बेटा? ओ बेचारी, वो कितना रो रही थी मेरे सामने। ठीक है, बीवी सही हो गई, माँ गलत हो गई ना। अब माँ आप मेरी बातों को गलत मत समझिए, मेरा बोलने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप उसे समझ के लीजिए। अभी वो नहीं है माँ, उसे कुछ समझ में नहीं आता, आप उसके साथ इस तरह से व्यवहार मत कीजिए। माँ मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मैं किसका सुनूं, मैं तुम्हारा सुनूं या मैं अपनी बीवी का सुनूं? मैं बताइए मुझे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ। कौन सा पाप की थी भगवान, मैं ऐसे बेटे बहू निकलेंगे मुझे नहीं पता था। कौन सा पाप किया था मैंने, मेरा गुजारा होना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या हुआ ज्योति का, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं माँ को ऐसा नहीं बोल सकता। मैं बस हो गया, तुम्हारा यही प्यार था? ऐसी बात नहीं है, प्यार मैं तुमसे भी करता हूँ लेकिन मैं देखो तुमसे नहीं हो पाएगा लेकिन मुझसे हो पाएगा, ठीक है? मैं आज इस घर में तुम्हारी माँ को निकाल दूँगा। ज्योतिका, ए बुढ़िया, तूने तेरे बेटे पे क्या जादू कर दिया है? हाँ अरे बहू, मैंने क्या किया है, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? कुछ बिगाड़ा नहीं। देखो या तो इस घर में मैं रहूंगी या तो तुम रहोगी, ठीक है? आखिर क्या किया है मैंने, क्या बुरा करती हूँ मैं तुम्हारा? क्योंकि मैं आपको नहीं झेल सकती हूँ। बहू तुम्हारा मैं क्या बिगाड़ी हूँ, ऐसा क्यों कर रही हो? देखो तुम नहीं कर सकती हो ना तो मैं कर सकती हूँ। चलो ये रोना धोना मेरे सामने मत लगा, समझी क्या? चल उठ, निकल इस घर से, चल निकल यहाँ से।
से। देखो अगर तुमने दोबारा अपनी माँ को इस घर में लाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये ले तेरे सामान पकड़ और निकल यहां से। और हाँ सुन, आज के बाद इस घर में दोबारा कदम मत रखना, ठीक है? चाहे जाके मर जाना, चाहे किसी अनाथ आश्रम में रह लेना, लेकिन दोबारा इस घर में मत दिखना। चल चल उठ, चल चल निकल। दोबारा इस घर में मत आना माँ। चलो तुम घर में।